Hello everyone, welcome on Arav Education Point, and today in this video we will continue 10th class 5th poem, The Bull Poem. This poem is written by John Barryman. John Barryman एक famous American poet और scholar रहे हैं. वो अपनी famous book Dream Songs के लिए काफ़ी popular हुए थे, जिसमें उन्होंने 385 poems को compose किया है. And he got for this book Pulitzer Prize. Apart from that, he also got National Book Award. In this poem, the Bull Poem, the poet has described the reality of life which everyone has to face one day. इस poem के अंदर poet ने हमारी जिंदगी की वास्तविकता को describe किया है, जिसको हर इंसान को एक ना एक दिन face करना पड़ता है. He tells us about our reactions at some material loss, and here poet wants to us to understand that losing things is a common thing of life. यहाँ पर पोइट हमसे केवल यही चाहते हैं कि हम इस बात को सामान्य माने कि चीज़ों को खो जाना जीवन में एक सामान्य बात होती है. नाउ वी विल रीड द पोएम लाइन बाय लाइन विद इट्स वर्ड मीनिंग, एंड देन वी विल डिस्कस इट्स लिटरेरी डिवाइसेस आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पोएम. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. आवर फर्स्ट स्टैंजा इज, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बाल, व्हाट इज ही टू डू. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So poet यहाँ पर question करते हैं, what is the boy now? अब boy यानी लड़के को क्या हो गया है? Who has lost his ball? कौन से लड़के की बात करते हैं जिस बच्चे की गेंद गुम हो गई है? So poet यहाँ पर पूछते हैं कि उस बच्चे को क्या हो गया है जिसकी गेंद गुम हो गई है. What is he to do? अब उसे क्या करना है? यहाँ पर पोएट ने what को दो बार यूज किया है अपनी बात को काफ़ी इम्फेसिस तरीके से बताने के लिए और उसे इस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. अब वो कहते हैं कि अब उसे क्या करना है, मीन्स उस बच्चे की बोल गुम हो गई है, अब वो क्या करेगा. आई सा इट गो, आई यहाँ पर पोएट हैं और इट यहाँ पर बोल है. सो पोएट कहते हैं कि मैंने उसे देखा है. किसको देखा है? बोल को देखा है. मैरिली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए. डाउन द स्ट्रीट, कहाँ चली गई है? नीचे गली की तरफ. एंड देन मैरिली ओवर, फिर वो बॉल खुशी से ऊपर उठती है. एंड देन देयर इट इज़ इन द वाटर, और वो फिर उछल करके कहाँ चली गई है? पानी के अंदर चली गई है. सो हियर यहाँ पर पोएट जो है बात कर रही है एक ऐसे बच्चे की जिसकी बॉल गुम हो गई है. ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शंस बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. एंड फर्दर पोएट आस्क व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लॉसिंग द बॉल. अदर साइड वी कैन से दैट पोएट यहाँ पर हम सभी से क्वेश्चन करते हैं कि हम सब क्या करेंगे जब हमारी कोई भी प्रिय वस्तु हमसे दूर हो जाए. सो लेट्स प्रोसीड इन द नेक्स्ट स्टैंजा. और नेक्स्ट स्टैंजा इज, नाउ यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ्स फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. सो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है. नो यूज टू से मीन्स कोई फायदा नहीं है. अल्टीमेट मीन्स फाइनली यानी अंतिम रूप से. एंड ग्रीफ मीन्स सोरो दुख. रिजिड मीन हार्ड कठोर. ट्रेवलिंग मीन सेकिंग कांपना. एंड हार्बर मीन पोर्ट बंदरगाह होती है. सो अब पोएट कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है अगर मैं उसके पास जाऊं और ये कहूं कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि कोई बात नहीं बच्चे यहाँ पर दूसरी बॉल्स भी हैं जिससे आप खेल सकते हैं. क्योंकि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि लड़की को एक हिला देने वाले दुख ने फिक्स कर दिया है, रिजिड बना दिया है, कठोर बना दिया है. मीन्स बच्चा अपनी प्रिय बॉल के गुम हो जाने से काफ़ी दुखी है. एंड इतना दुखी है एज ही स्टैंड्स रिजिड, कि वो बहुत रिजिड खड़ा है. मीन्स कोई हलचल उसके अंदर नहीं हो रही है, बिल्कुल निश्चल हो गया है. ट्रैम्बलिंग कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन और लगातार नीचे की तरफ घूर रहा है. कहाँ घूर रहा है? जहाँ उसकी बॉल चली गई है. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. अब इसके साथ ही उस बच्चे के मन में एक तस्वीर चल रही है कि कैसे मैंने अपने पुराने दिनों में उस बॉल के साथ इस हार्बर के पास खेलता था, और वो सारी बातें उसके दिमाग में बार बार चली आ रही हैं. बट अब वो बाल जो है कहाँ चली गई है? पानी के अंदर चली गई है. मीन्स यहाँ बच्चा अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करके काफ़ी दुखी है. सो पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि बॉय जो है काफ़ी कम्प्लीटली सराउंडेड है सोरो से. एंड वो सैड है क्योंकि उसकी जितनी भी मेमोरीज उस बॉल के साथ अटैच्ड थी वो उस बॉल के साथ ही हार्बर में चली गई हैं.
On the other side, here we can say that poet wants to tell us that the situation of human being after losing his or her dear thing with the help of this boy. Means यहाँ पर इस बच्चे के माध्यम से हमें एक situations, एक कंडीशन हमारी दिखाना चाहते हैं कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई डियर थिंग्स हमारी लूज हो जाती है तो हम सबका क्या रिएक्शन होता है. साफ तौर पर हम भी उस बच्चे की तरह काफ़ी शोरो फील करते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं और आसपास क्या हो रहा है हमें कुछ होश नहीं रहता है. सो लेट्स रीड नेक्स्ट स्टैंजा. आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम A dying another boy is worthless. Now he sends his first responsibility in a word of his possession. First, intrude होता है interfere, दखल देना. Dying a coin सिक्का, worthless, useless, बेकार. And word of possession materialistic word भौतिक संसार. अब poet कहते हैं I would not intrude on him कि मैं उसकी उदासी में इंटरफेयर नहीं करूँगा. अ डाइम एक कोई भी सिक्का अनदर बार या कोई दूसरी बोल अगर मैं उसे लाकर देता हूँ इज वर्थलेस उसके लिए बेकार है. मीन्स पोर कहते हैं कि कोई भी पैसा या दूसरी बोल उसके दुख को कम नहीं कर सकता है. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन. इसके साथ ही पोर कहते हैं कि वो इस भौतिक संसार के अंदर अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास करता है. मीन्स उसे अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है. सो यह पोएट कहते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता उस बच्चे को कि कुछ पैसे लो और दूसरी बोल खरीद लो क्योंकि उस बोल के साथ उस बच्चे के इमोशंस जुड़े हुए हैं और दूसरी बोल उन इमोशंस को रिस्टोर नहीं कर सकती है. और इसके साथ ही पोएट कहते हैं कि अब बच्चे के लिए समय आ गया है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे और ये समझे कि ज़िंदगी में जो थिंग्स हैं उनकी टेक केयर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो On the other hand, we can say that the poet wants to give a message that everyone of us should take responsibility of how to care things. कि वो poet हम सबसे ही चाहते हैं कि हम सबको ये जिम्मेवारी लेनी होगी कि हमें अपनी प्रिय वस्तु की केयर कैसे करनी है. Let's see next. People will take balls, balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back, money is external. इसके साथ ही poet कहते हैं कि लोग जो हैं छोटे बच्चे कि लोग तुम्हारी वस्तुएं ले लेंगे या फिर जो बोल हैं वो गुम हो जाएंगे एंड कोई भी उस बोल को वापस नहीं ला सकता है. क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि मनी तो क्या है, केवल बाहरी वस्तु है. सो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि उस बच्चे को ये सीखना होगा कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, बिलोंगिंग्स मीन्स यहाँ पर जितनी भी डियर थिंग्स हैं. सो यहाँ बोल से मतलब पोएट का बिलोंगिंग से है, मीन्स उसकी प्यारी वस्तुओं से है. उन वो एक ना एक दिन हम सबसे दूर हो जाएंगी, ये बात उसे सीखनी होगी. सो यहाँ पर बोल को प्रश्नोफाइज क्या है? उन सभी वैल्यूएबल थिंग्स से जो हमारे पास या उस बच्चे के पास हैं. और इसीलिए पोएट कहते हैं कि उस बच्चे को लेसन सीखना होगा इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए कि उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, मीन्स उसकी वैल्यूएबल थिंग्स हैं जो आज उसके पास हैं, विल बी लॉस्ट वन डे, कि एक ना एक दिन वो जरूर गुम हो जाएंगी. सो ही हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम, कि उन्हें उनके बिना भी रहना सीखना होगा. एंड इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि कोई भी उस वस्तु को जो गुम हो गई है वापस नहीं खरीद सकता है. मीन्स वैसी वस्तु तो खरीद सकता है बट उस वस्तु से जुड़े हुए उसके इमोशंस हैं वो उन पैसों से नहीं खरीद सकता है. सो ऑन द अदर वे वी कैन से दैट हेयर पोर्स वांट्स टू क्लियर दैट एवरी ह्यूमन बींग हैज़ टू लर्न दिस लेसन इन हिज हर हर लाइफ दैट द थिंग्स विच वी ओन टूडे कैन बी लॉस्ट वन डे, कि जो वस्तु आज हमारे पास है वो कल को गुम भी हो सकती है. लेट्स प्रोसीड फर्दर. He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. पोएट कहते हैं सो पहले एक बार इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं. डिस्पैरेट होता है होपलेस, निराश. एपिस्टोमोलॉजी होता है साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान. अब पोएट कहते हैं ही इज लर्निंग, ही मीन्स यहाँ पर बॉय है कि वो सीख रहा है. वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज, अपनी उन उदास आँखों से द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, उस नुकसान का अर्थ या उस नुकसान से जो उसे नॉलेज मिल रही है उसे वो सीख रहा है. मीन्स वो क्या सीख रहा है कि जो वस्तु से गुम हो गई है उससे हमें कैसे ऊपर उठना है, हाउ टू स्टैंड अप.
इसके साथ ही वो ये सीख रहा है कि कैसे खड़े होकर के हमें आगे बढ़ना है, मीन्स उस वस्तु के बारे में भूल जाना है और उसे आगे हमें जाना है। इसके साथ ही पोएट कहते हैं कि क्या कह रहा है, नोविंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो, कि आज उस बच्चे को इस बात का पता चल रहा है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति को सीख लेना चाहिए इस संसार में रहते हुए। एंड नो मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, इसके साथ ही वो ये भी पता कर रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने सीख लिया है कि कैसे बड़े नुकसान को भूल करके कैसे हमें स्टैंड अप करना है, आगे बढ़ना है। दिस वे द पोइट वांट्स टू द बॉय दैट ही ट्राई टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, विच मीन्स दैट वन हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन, कि पोइट यहाँ पर उस बच्चे से चाहते हैं कि वो जिंदगी का ये लेसन सीख जाएं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में आने वाले दुखों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। ऑन द अदर वे वी कैन से दैट हियर द पोएट वांट्स टू टेल अस वी शुड टेक या वी शुड फेस डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ एंड मूव ऑन, कि हम सबको अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को फेस करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। Now we will discuss some literary devices of the poem. First device है anaphora. Anaphora क्या होता है? Repeated use of the same word in two or more than two lines in the beginning of the line. So in first stanza, first line what is the boy now? And second line what is he to do? So यहाँ पर what को repeat किया गया है, so it is anaphora. Next literary device है imagery. Imagery क्या होता है? कि एक picture को create करना words की help से। सो फर्स्ट स्टैंजा में थर्ड लाइन में जब पोएट कहते हैं कि बॉल जो है मैरिली बाउंसिंग मीन्स खुशी से उछलते हुए, सो जैसे ये वर्ड हम रीड करते हैं तो उछलती हुई बॉल का पिक्चर हमारे दिमाग में आती है, सो इट इज इमेजरी। नेक्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन होता है रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड इन ए लाइन, कि एक ही शब्द का एक लाइन में बार बार यूज करना। सो इन फर्स्ट स्टैंजा सेकेंड लाइन व्हाट इज ही टू डू, सो यहाँ पर व्हाट को रिपीट किया गया है इस लाइन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, सो इट इज रेपिटेशन। एंड इन फोर्थ स्टैंजा सेकेंड लाइन बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, सो यहाँ पर बॉल्स को इम्फेसाइज करने के लिए बार बार रिपीट किया गया है, सो इट इज रेपिटेशन। नेक्स्ट वन है एसिंडेटन। एसिंडेटन होता है कि जब लाइन के अंदर हम किसी कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं एक सेंटेंस में, तो स्टैंजा थर्ड में जो सेकेंड लाइन है एडाइन फिर कोमा है अनदर बाल इज वर्थलेस, यहाँ पर कंजक्शन एंड आना था बट नहीं यूज किया गया है, सो इट इज एसिंडेटन। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करना एक ही लाइन के अंदर, सो फोर्थ स्टैंजा के अंदर जो सेकेंड लाइन है बाल्स विल बी लॉस्ट, तो यहाँ पर बे साउंड का रेपिटेशन हुआ है और ये कॉन्सोनेंट भी है, सो इट इज एलिट्रेशन। एंड इन द नेक्स्ट लाइन फिर वही एंड नो वन बाइज अ बाल बैग, तो बी साउंड का फिर से रेपिटेशन हुआ है और ये कॉन्सोनेंट भी है, सो इट इज एलिट्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पोएम। Our first question is what does the poet notice at the beginning of the poem, and next one is what was the effect of the loss of ball on the boy, and next is explain the line and no one buys a ball back, money is external, and next question is what does the poet say ball will be lost always, and last question is what is the main idea of the poem। सो इसके साथ ही हमारी पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सून अपियर विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग।